यहाँ पे सिर्फ अपने को एक चीज का क्लियरिटी चाहिए, अपनी जो वैन आएगी उस मूवमेंट की। तो वो ऑनर ने 2 दिन का टाइम मांगा है, 2 दिन के बाद अपने को क्लियरिटी मिल जाएगी कि यहाँ से अपना मूवमेंट हो पाएगा कि नहीं। अगर मूवमेंट ऑनर ये रोड से बिल्डर से बात कर लेगा तो यहाँ से अपने को पूरा इजीली मूवमेंट यहाँ तक, ठीक वो रोड है वहाँ से ठीक यहाँ तक मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना यहाँ से 10 स्टेप है अपने गाले के अंदर जाने में, तो यहाँ तक अपनी वैन मूवमेंट हो सकती है। टू व्हीलर का यहाँ पे इजीली मूवमेंट हो सकती है, ये साइड से दोनों साइड से मूवमेंट हो सकती है। तो बस वो अपने को क्लियरिटी चाहिए वैन मूवमेंट की, बाकी इजीली यहाँ पे अपन काम कर सकते हैं। तो अभी मैं साइन पंजाबी कॉलोनी में शॉप विजिट कर रहा था, तो ये पूरा साइन पंजाबी कॉलोनी है और अपना जो गाला है वो यहाँ पे है। लेकिन अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो देखिए ये बिल्डिंग्स है, ये यहाँ पे अभी तोड़ फोड़ की गई है, यहाँ पे रीडेवलपमेंट में कुछ बिल्डिंग्स आए हुए हैं। तो सामने वो जो दिखाई दे रहा है वो अपना रोड है, ये वो सामने अपना रोड है और यहाँ से भी अपनी गाड़ी की मूवमेंट हो सकती है। तो आनंद ने बोला हुआ है कि ये 2 दिन में कंफर्म करके बताएंगे कि यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक अपनी बड़ी गाड़ी आ जाती है, वहाँ तक बड़ी गाड़ी जाती है, तो वो बिल्डर से कंफर्म करके एक बार बताएंगे। तो ये यहाँ से मूवमेंट रहेगा अपनी गाड़ी का और गाड़ी वहाँ से बैक होके डायरेक्ट आएगी यहाँ तक, ये सामने तक। और ये जो वायर वायर हैं ये थोड़े ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटा दुकान वाला इन्होंने ऑनर ने रखा हुआ है तो वो उसको हटा भी सकते हैं। अपनी जो गाला है वो ये है और यहाँ तक अपनी गाड़ी आएगी और वहाँ अपना यहाँ माल उतारेगा और अपने को वहाँ तक लेके जाना है और यहाँ से अपनी गाड़ी की मूवमेंट रहेगी। टू व्हीलर की जो मूवमेंट रहेगा वो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन अपनी बड़ी वाली गाड़ी का यहाँ से मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो वैसा है, टू व्हीलर की मूवमेंट यहाँ से भी हो सकती है, वहाँ से भी हो सकती है, लेकिन अपनी जो मॉर्निंग में वैन आएगी वो यहाँ से ही आएगा। तो वो 2 दिन में ऑनर कन्फर्म करके बता देंगे अपने को। आस पास ये सामान है, जैसे ये क्या बोलते हैं, जनरल स्टोर का ये शॉप्स है, ये सारे जनरल स्टोर के शॉप है इस साइड में। पार्किंग की अगर बात करेंगे, पार्किंग अपने गाले के ठीक वहाँ पे सामने अपन 8-10 बाइक पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे, या वो उधर कार के साइड में अपन पार्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर ये अपना गाला है और ठीक यहाँ पे सामने भी पार्किंग कर सकते हैं, प्लस इस साइड में भी जहाँ पे ये गाड़ी लगी है इधर भी अपन लगा सकते हैं। ये अपना अंदर का शॉप है, ये ऊपर फॉर सीलिंग की गई है, एग्जैक्ट हाइट अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से अपना एंट्रेंस रहेगा, यहाँ आएंगे और फिर ये एरिया में आ जाएंगे। ये एरिया में जाएंगे तो सामने अपने को वॉशरूम मिलेगा, प्लस ये एरिया एक मिलेगा और ये छोटे छोटे एरिया है, तो इसको अपन पूरा रिमूव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें अंदर आ सकते हैं, तो वो बीच का ये पार्ट अपन पूरा रिमूव कर देंगे। और इसकी अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो ये लोखंड का है, मतलब कोटाल आदि का है, और इसकी 9 फीट 8 इंच इसकी एग्जैक्ट हाइट है ग्राउंड से लेके ये ऊपर एंड तक। ये एक छोटा सा डोर है, इसको अगर अपन बैक डोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस साइड में उनका दूसरा दुकान है तो यहाँ से मूवमेंट नहीं रहेगा, लेकिन दिखाने के लिए एक बैक डोर यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे शॉप्स हैं, तो ये अपन पूरा रिमूव कर सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं। सिर्फ लोड बेरिंग ये नहीं है, बस ऐसे ही इन्होंने लोड के लिए, वेट के लिए इन्होंने ये रखा हुआ है, बनाया हुआ है, तो अपन पूरा रिमूव कर सकते हैं।
तो एग्जैक्ट हाइट तो सेम ही है, ये 9 फुट 8 इंच, ये भी सेम है 9 फुट 8 इंच, लेकिन ये फार सीलिंग कराया गया है तो इसके वजह से इसकी हाइट ये थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो ये अपन पूरा रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव के लिए ये ऊपर का पूरा रिमूव करेंगे, सामने से ये साइड में एक दुकान है तो इधर रिमूव नहीं कर सकते हैं, इतना छोड़ के फिर ये अपना दुकान रहेगा, तो ये पूरा अपन स्ट्रक्चर रिमूव कर सकते हैं। और इसके पीछे ये जो ग्लास दिखाई दे रहा है, ये इसके पीछे दीवार है, तो अगर ग्लास निकालना चाहें तो वो भी ग्लास निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर वेंटिलेशन की बात करेंगे तो सामने से फ्रेश एयर ले सकते हैं और ये साइड अपन वेंटिलेशन कर सकते हैं। इधर अगर बात करेंगे तो ये एक विंडो है पूरा, प्लस ये एक विंडो है यहाँ पे और यहाँ पे है, तो इधर किधर भी अपन क्रॉस वेंटिलेशन एग्जॉस्ट या डक्ट लगा सकते हैं। वो मैं उधर से अभी दिखा देता हूँ आपको। ये साइड में ओपन स्पेस है यहाँ पे और ये अंदर का पैसेज है यहाँ पे, तो यही वो विंडो है अंदर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे, फिर उधर, फिर वो साइड, तो ये पैसेज में अपन निकाल सकते हैं अंदर यहाँ पे। वो थोड़ा उन्होंने शटर लगाया हुआ है तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये डायरेक्ट बाहर आके ये मूवमेंट में आ जाएगा यहाँ पे। तो इधर अपन वेंटिलेशन किधर भी कर सकते हैं इस साइड में और सामने से फ्रेश एयर ले सकते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पे जैसे बाइक है, यहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं, प्लस सामने भी पार्किंग कर सकते हैं। और ऑलरेडी इसमें 3 फेस लाइट है, वाटर है, PMC ऑलरेडी 1000 लीटर का टंकी लगा हुआ है। तोड़ फोड़ के लिए ऑनर एग्री हैं, प्लस वेंटिलेशन के लिए अपने को इस साइड में निकालने के लिए बोल रहे हैं। सामने से फ्रेश एयर लेंगे, पीछे दुकान है तो पीछे नहीं कर सकते हैं, इस साइड में भी शॉप है तो इस साइड में भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टीशन अपन रिमूव कर सकते हैं, ये सब, ये वहाँ से, ये सब, ये अपन पूरा पार्टीशन रिमूव कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ये ठीक सामने है, ये डायरेक्ट सामने है ड्रेनेज का सिस्टम, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ही, और ये सीधा स्ट्रेट लाइन आगे चला गया है, वहाँ पे भी देखिए ड्रेनेज है, तो ये सीधा चला गया, तो ये अपन कनेक्ट कर सकते हैं। ये सामने का पैसेज भी अपन यूज कर सकते हैं, ये वाला। तो इंफ्रा इश्यूज में तो कुछ नहीं है,